वाले हमारे चैनल समय उर्दू हिंदी में। आज हम करेंगे NIOS क्लास 10 TMA और ये TMA है उर्दू का 2023, यानी जो आपका जुलाई अगस्त सितंबर में जो भी जमा होगा वो है ये। तो इस TMA के 6 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 में से एक करना है। तो यहाँ पे मैंने उन्हें सॉल्व करा है। पहला सवाल है कि उर्दू और हिंदी का रिश्ता बहुत गहरा है, अपने ख्यालात लिखिए। तो इसका जवाब आप यहाँ से देख सकते हैं कि हिंदुस्तान की तमाम हिंद आर्याई जबानों में उर्दू और हिंदी सबसे ज़्यादा करीब है और इन दोनों में अटूट रिश्ता है। जितना मेलजोल उर्दू और हिंदी में पाया जाता है शायद ही किसी जबान में पाया जाता हो। कहावतों और तलमीहों में दोनों जबानों का मेल जोल और ज़्यादा खुलकर सामने आता है। हिंदी और उर्दू में कहावतें एक जैसी हैं, जैसे इन दोनों में बहुत इश्तराक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो एक जैसी हैं, जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, चोर की दाढ़ी में तिनका वगैरह। ये तमाम कहावतें उर्दू और हिंदी वाले लोग बिना रोक टोक के इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि तहजीब और तहजीब की तारीफ अपने अल्फाज में लिखिए। अगर आपको इसकी PDF वगैरह चाहिए तो मुझे डिस्क्रिप्शन में बता दीजिएगा, आपको PDF भी मिल जाएगी। इसका जवाब है, किसी मुल्क में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी गुजारने का ढंग, तौर तरीका, शादी ब्याह, ब्याह के रस्म व रिवाज, कौमी मजहबी त्यौहार मनाने के तरीके, गरज ये कि वे तमाम चीज़ें जिससे वे अपनी अलग पहचान बनाते हैं और उसके ज़रिए वे दुनिया में जाने जाते हैं। ठीक है, उस मुल्क की तहजीब कहलाती है, यही तहजीब की तारीफ। एक लाइन छोड़ के साफ साफ लिखिएगा। इसके बाद अगला सवाल है, गालिब ने क्यों कहा कि उन्होंने मरासिले को मुकालमा बना दिया। तो इसका जवाब है, गालिब से पहले उर्दू में खतूत कम ही लिखे जाते थे और जो कुछ लिखे जाते उनमें भी तकल्लुफ और बनावट बहुत ज़्यादा होती थी। गालिब से पहले इसमें बनावट होती थी। बड़े बड़े अलकाब व आदाब और बिला वजह अरबी व फ़ारसी के मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करके अपनी ज़बान दानी का मुजाहरा किया जाता था। गालिब ने बहुत ही आसान ज़बान में ख़त लिखे, बड़े अलकाब और आदाब की जगह बेतकल्लुफ अंदाज इख्तियार किया। मकतूब आलिया को भाई, मेरी जान, मियाँ वगैरह से मुखातिब किया। उन्होंने अपने खतूत में बातचीत का अंदाज़ अपनाया, इसीलिए गालिब ने यह कहा कि मैंने मरासिले को मुकालमा बना दिया। ठीक है, इसके बाद जो है इसके अगला सवाल है, सवाल नंबर 4 है कि ड्रामे के अज्जाए तरकीबी क्या है, हर एक के बारे में वजाहत से लिखिए। तो इसका जवाब आप लिखेंगे, ड्रामे के अज्जाए तरकीबी मंदरजा ज़ेल हैं, प्लॉट या कहानी, किरदार, मुकालमे, पेशकश। प्लॉट या कहानी, किसी भी ड्रामे को पेश करने के लिए प्लॉट या कहानी का होना ज़रूरी है। प्लॉट या कहानी छोटी होनी चाहिए, प्लॉट के खूबी यह है कि वह सच होती है। मुकालमे, ड्रामे की असल जान मुकालमे यानी डायलॉग्स, इसके ज़रिए ड्रामा निगार अपनी बात वाजे करता है। मुकालमे के से ड्रामा निगार निगार मुकालमे से ड्रामा निगार किरदारों को उभारते हैं। पेशकश, ड्रामे को
पेश करने की तकनीक अच्छी होनी चाहिए। ड्रामे की कामयाबी का दारोमदार पेशकश पर ही होता है। पेशकश भी एक तरह का फन है जो किरदारों को उभारती है। पांचवा सवाल है, नज़्म कश्मीर में नज़्म का मरकज़ी ख्याल अपने अल्फाज में लिखिए। इसका जवाब है, शायर ने कश्मीर की खूबियों से मुतासिर होकर उसकी खूबसूरती को अपने अशार में बयान करने की कोशिश की है। नज़्म समझने से पहले कश्मीर के हुस्न को जहन में रखना ज़रूरी है, जिसके बग़ैर उसके हुस्न से लुत्फ़ानंदोज़ नहीं हुआ जा सकता। शायर ने कहा है कि कश्मीर एक खूबसूरत जगह है जहाँ छोटे बड़े पहाड़, झील, झरने, नदी, नाले, फूलों की वादी और सरसब्ज शादाब मैदान, जंगल, मुख्तलिफ किस्म के फलों के दरख्त और मेवाओं की पेड़ है। इस हवा में फूलों की खुशबू लिबी होती है जिसमें दिल खिल उठता है मिली होती है जिसमें दिल खिल उठता है। चकबीस के अंदाज़े बयां में सादगी का हुस्न है। कश्मीर के मंजर निगारी बहुत ही खूबसूरत और फितरी अंदाज से इस तरह की गई है कि कश्मीर की कुदरती मनाजिर आँखों के सामने फिरने लगते हैं। अल्फाज की रंगारंगी और बयान की रवानी ने नज़्म के तासुर में इजाफा कर दिया। पूरी नज़्म में एक मखसूस किस्म का तरन्नुम है और बहाव में, जिससे कारी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। अब इसका आखिरी सवाल है कि आज के हद में कंप्यूटर की अहमियत बताते हुए साथ ही कंप्यूटर से होने वाले कामों पर भी रोशनी डालिए। आज के दौर कंप्यूटर का दौर है, चाहे तिजारती शोभा हो, साइंसी या तालीमी मैदान या फिर घरेलू कामकाज, हर जगह कंप्यूटर की ज़रूरत पेश आती है। कंप्यूटर ने जिस तेज़ रफ्तारी के साथ इंसान की ज़िंदगी के शोबों को कंट्रोल किया है, इसकी कोई नज़ीर माजी में मौजूद नहीं। नज़ीर मतलब कोई भी मिसाल ऐसी माजी में मौजूद नहीं जो इस तरह से तरक्की करती। दुनिया की हैरत अंगेज़ मवासिलाती इनकलाब से दो चार करने का सेहरा भी कंप्यूटर को ही जाता है, मतलब इतनी तेज़ी से इसने दुनिया को जोड़ दिया। कंप्यूटर ने बैनुल अक्वामी सतह पर माशी और सनतकारी जैसे शोबों में तरक्की की कई राहें हमवार की। बैनुल अक्वामी का मतलब होता है इंटरनेशनल तौर पर। आजकल ऐसे खुदकार कंप्यूटर भी मौजूद हैं जो सिर्फ इमला बोलने पर ही टाइप करना शुरू कर देते हैं, मतलब ऐसे खुदकार कंप्यूटर भी हैं, वॉइस भी हैं, कि अगर आप उसमें सिर्फ बोलेंगे ही तो वो अपना काम अपने आप शुरू कर देते हैं। ऐसे कंप्यूटर भी हैं जो दूसरी ज़बानों में किताब पढ़कर सुनाते हैं। अगर कंप्यूटर की तरक्की की यही रफ्तार रही तो वो दिन दूर नहीं जब ये सिर्फ सुनने पर भी काम करना शुरू कर दिया गया। कंप्यूटर एक ऐसा नफ्सियाती या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हिदायत को महफूज रखती है और पलक झपकते ही उन हिदायत पर अमल करती है। अब हम कंप्यूटर प्रोग्राम का जायज़ा लेते हैं। ये प्रोग्राम कई ज़ुमरों में आता है, प्रोसेसिंग, डिज़ाइनिंग, ग्राफिक्स, आईनी मशीन, स्पेशल इफेक्ट्स। इसमें है CAI, कंप्यूटर एसिडेड इंट्रोडक्शन। ये प्रोग्राम तालीमी नौयत के होते हैं। इसमें यह बताया जाता है कि कोई किस तरह करे, इसको शुरू करना कैसा है और किस तरह
तसलसल से काम लेना है। एमएस ऑफिस एक मुकम्मल तरीन प्रोग्राम है जो विंडोज़ के माहौल में खुलता है। इसमें आजकल हर मुमकिन मराहत शामिल है जो किसी भी दफ्तर, कारोबार, इशाती इदारे में काम आ सकते हैं। इसके भी कई एडिशन अभी आ चुके हैं। इसमें भी कई सबनी प्रोग्राम हैं, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड वगैरह शामिल हैं। तो ये जो है आपके पूरे जो एमएस वो एनआईओएस 10th का जो उर्दू का था, मैंने यहाँ पे बना दिया है एनआईओएस उर्दू का 10th का। अगर आपको एनआईओएस की क्लासेस लेनी है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टीएमए चाहिए पीडीएफ की शक्ल में, कांटेक्ट कर सकते हैं। असाइनमेंट, प्रैक्टिकल और हेल्प गाइड जो भी आपको चाहिए आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है आपको एक बार फिर बता दूं, 9136183233। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सारी मालूमात मिलेगी, सब चीज़ों की पीडीएफ, असाइनमेंट, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उम्मीद है कि आपको ये क्लास 10 की टीएमए पसंद आया होगा और ये बना हुआ भी बड़ी मेहनत से। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक बार आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।